हेलो डियर, आज हम किसी भी कंपाउंड में एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट को कैसे डिटरमाइन करते हैं उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताना चाह रहे हैं। ये इन्फॉर्मेशन है अनअकैडमी की साइट से। तो ये वीक जो है वो अनअकैडमी का स्पेशल प्राइज वीक है। तो अनअकैडमी IIT JEE स्पेशल प्राइज वीक राइज अगेन। तो इस वीक में आप अनअकैडमी का IIT JEE वाला कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 10% के साथ एडिशनल 10% डिस्काउंट मिलने वाला है। तो टोटल आपको 20% डिस्काउंट जो है वो मिलने वाला है और ये ऑफर वैलिड है 17 सितंबर तक, ठीक है ना। तो 17 सितंबर तक आप IIT JEE का कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हो तो फिर आपको ये 20% ऑफ जो है मिलने वाला है। तो जल्दी कीजिए, अभी सब्सक्रिप्शन लीजिए। फिर ये है हमारा अनअकैडमी चैंपियंस। तो अनअकैडमी चैंपियंस में कौन से लोग जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे वो लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिन्होंने 31 अगस्त से पहले, ये देखो 31 अगस्त से पहले जो है प्लस सब्सक्रिप्शन ले रखा है। तो जिन्होंने 31 अगस्त से पहले प्लस सब्सक्रिप्शन ले रखा है उनको जस्ट एक गूगल फॉर्म जो है वो फिल करना है तो वो कैश रिवॉर्ड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, राइट। तो अगर आप कैश रिवॉर्ड पाना चाहते हो और आपने अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन जो है वो 31 अगस्त से पहले ले रखा है तो फिर क्या है, आप ये गूगल फॉर्म जो है वो भरें और कैश रिवॉर्ड के लिए एलिजिबल हों। फिर इसके बाद ये है हमारा अनअकैडमी एक्सेल बैच। ये बैच जो है वो ड्रॉपर स्टूडेंट के लिए है। ये बैच जेई मेन एंड एडवांस के लिए है। तो जेई मेन एंड एडवांस 2022 का ये बैच है और ये इस बैच की फैकल्टी है। और ये बैच जो है वो स्टार्ट हो रहा है 15 सितंबर से। तो 15 सितंबर से यहाँ पे बहुत सारे बैच जो है वो स्टार्ट हो रहे हैं। तो एक बैच इनमें है हमारा एक्सेल बैच जो कि ड्रॉपर स्टूडेंट के लिए है। फिर देखो एक बैच और है, साइन 2.0 बैच। ये बैच जो है वो क्लास 12th जेई मेन एंड एडवांस के लिए है। ये इस बैच की फैकल्टी है, ठीक है ना। और ये बैच भी 15 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। फिर अनअकैडमी का एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है जिसको हम स्पार्क 2.0 बैच बोल रहे हैं। ये बैच जो है वो क्लास 11th जेई मेन्स एंड एडवांस के लिए है, ठीक है। इस बैच की फैकल्टी हमारी ये है और ये बैच भी 15 सितंबर को स्टार्ट होगा, ठीक है ना। फिर और देखते हैं, फिर देखो ज़रा अनअकैडमी का 2 exam 1 subscription। तो एक सब्सक्रिप्शन में आप 2 exam की तैयारी कर सकते हो। तो अगर आप वाई करते हो IIT प्लस सब्सक्रिप्शन 12 month या 24 month का तो आपको मिलेगा UP बोर्ड या महाराष्ट्र बोर्ड का प्लस सब्सक्रिप्शन 12 month या 24 month का फ्री, बिल्कुल फ्री रहेगा ये। अगर आप ये 12 month का खरीदते हो तो ये 12 month का फ्री, अगर आप ये 24 month वाला लेते हो तो ये 20 month वाला फ्री रहेगा। फिर ये है IIT आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन 12 month 24 month। तो फिर यहाँ पे फ्री मिलने वाला है आपको CBSE प्लस सब्सक्रिप्शन 12 month 24 month और ये ऑफर वैलिड है 14 सितंबर तक, ठीक है। तो बस यहाँ पे एडिशनल आपको 100 rupees जो है वो एक्स्ट्रा लगेगा। फिर ये है हमारा अनअकैडमी एज, ये टारगेटिंग जेई 2024 के लिए है, ठीक है। तो अगर आप अनअकैडमी का ये 30 month वाला सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको फ्री मिलने वाला है CBSE क्लास 10th / K12 6 month सब्सक्रिप्शन। अगर आप IIT JEE CBSE K12 30 month कॉम्बो सब्सक्रिप्शन ये लेते हो तो आपको यहाँ पे IIT JEE 30 month CBSE K12 क्लास 10th 11th एंड 12th 30 month का सब्सक्रिप्शन जो है वो 20% ऑफ में मिलने वाला है और ये है 68,799 का, राइट। और ये जो आपका पैक है ये है 59,999 का, राइट। तो ये इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी अनअकैडमी की साइट से। तो आप अगर कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं
तो आप हमारा रेफरल कोड जो है वो ज़रूर इस्तेमाल करें, और हमारा रेफरल कोड जो है वो है पी तोमर लाइव। तो प्लीज इस रेफरल कोड को जरूर इस्तेमाल करें। तो बस अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो हमारा पहला कंपाउंड है सोडियम सल्फेट। तो इस सोडियम सल्फेट में हमें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट डिटरमाइन करनी है। तो आप क्या करोगे, सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट को एक्स मान लोगे। ठीक है, जनरली होता ये है कि जो एलिमेंट मिडिल में होता है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल होती है, जबकि साइड एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स होती है। तो सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है, 2 सोडियम है तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है, 4 ऑक्सीजन है तो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट का जो सम है, ऑक्सीडेशन स्टेट का अगर हम सम कर दें तो भाई ये देखो ये हमने सम कर दिया, तो ये क्या होता है, ये 0 होता है। एक कंपाउंड जो है उसके लिए ऑक्सीडेशन स्टेट का सम हमेशा 0 ही आता है। ठीक है, अब हम इसको डिटरमाइन करेंगे। तो ये प्लस का 2 बनेगा, ये प्लस एक्स बनेगा, ये माइनस का 8 बनेगा, इक्वल टू 0। तो एक्स -6 इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू प्लस का 6। तो यहाँ पे सल्फर जो है वो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ठीक है ना, अच्छी बात है भाई। अब हम दूसरा कंपाउंड लेते हैं। तो दूसरा कंपाउंड जो है वो हमारे पास है, इस बार आयन ले लेते हैं। तो ये है हमारे पास कार्बोनेट आयन। इसमें हमें कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो डिटरमाइन करनी है। तो ये हमें कार्बन की ऑक्सीडेशन डिटरमाइन करनी है। तो कार्बन की ऑक्सीडेशन आप एक्स मान लो, ऑक्सीजन की फिक्स होती है -2 × 3 करोगे क्योंकि 3 ऑक्सीजन है। ऑक्सीडेशन स्टेट का सम जो है, अब हम सम कर रहे हैं, वो क्या होता है, एक आयन में चार्ज के इक्वल होता है। तो चार्ज -2 है तो चार्ज के इक्वल होगा। ठीक है, तो एक्स -6 इक्वल टू -2, तो एक्स इक्वल टू -2 +6, तो एक्स इक्वल टू ये प्लस का 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे कार्बन जो है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ चुका है, अच्छी बात है भाई। इसके बाद जो है हम एक और आयन ले लेते हैं, ये SO4 -2। इसमें हम जो है ऑक्सीडेशन स्टेट डिटरमाइन कर रहे हैं किसकी, सल्फर की। तो सल्फर की एक्स लोगे, ऑक्सीजन की -2 होती है, 4 ऑक्सीजन है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट का सम जो है वो क्या होता है, चार्ज के इक्वल होता है, चार्ज -2 है। तो एक्स -8 इक्वल टू -2, तो एक्स इक्वल टू -2 +8, तो एक्स इक्वल टू ये प्लस का 6 हो जाएगा। ठीक है ना, अच्छी बात है भाई। इसके बाद हम एक और आयन लेते हैं, लेकिन इस बार हमारा आयन जो है वो पॉजिटिव आयन होगा। ठीक है, ये PH4 पॉजिटिव, इसको हम फॉस्फोनियम आयन कहते हैं। और यहाँ पे हम डिटरमाइन करेंगे फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट। तो फॉस्फोरस की एक्स मान लो, हाइड्रोजन की +1 होती है, × 4 करोगे क्योंकि 4 हाइड्रोजन है। ऑक्सीडेशन स्टेट का सम जो है वो चार्ज के इक्वल होता है, चार्ज प्लस का 1 है। तो एक्स +4 इक्वल टू प्लस का 1, तो एक्स इक्वल टू +1 -4। ठीक है, तो एक्स इक्वल टू ये माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है ना, तो फॉस्फोरस यहाँ पे -3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, अच्छी बात है भाई। फिर हम क्या करते हैं, इस बार हम कंपाउंड लेते हैं, राइट। तो कंपाउंड जो है हमारा K2Cr2O7, ये पोटेशियम डाइक्रोमेट है। ऑक्सीडेशन स्टेट जो है हम क्रोमियम की डिटरमाइन करेंगे, क्योंकि मिडिल एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो वेरिएबल होती है। ठीक है ना, तो इसकी हम एक्स मानेंगे, क्योंकि 2 क्रोमियम है तो × 2 करना पड़ेगा। पोटेशियम 1 है, ठीक है, प्लस का 1 होगा, × 2 करोगे क्योंकि 2 पोटेशियम है। ऑक्सीजन -2 होता है, × 7 करोगे क्योंकि 7 ऑक्सीजन है। ऑक्सीडेशन स्टेट का सम जो है वो यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि ये कंपाउंड है हमारा। ठीक है, आयन में चार्ज के इक्वल होता है ऑक्सीडेशन स्टेट का सम, एक कंपाउंड में ऑक्सीडेशन स्टेट का सम हमेशा 0 रहेगा। ठीक है ना, तो ये प्लस का 2, ये +2x, ये -14 इक्वल टू 0। ठीक है, 2x -12 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू ये प्लस का 12 हो जाएगा। तो x इक्वल टू +12/2, मतलब ये प्लस का 6 आ जाएगा। तो क्रोमियम जो है यहाँ पे +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है,
बहुत अच्छी बात है भाई। अब इसके बाद हम एक और कंपाउंड ले लेते हैं। इस बार हमारा कंपाउंड है KMnO4 पोटेशियम पर मैगनेट, ठीक है। और आपको पता है ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी निकाल ली है भाई, मिडिल एलिमेंट मैंगनीज की, क्योंकि इसी की वेरिएबल हो सकती है, ठीक है। तो पोटेशियम की +1 होती है, मैंगनीज की आप एक्स मानोगे, ऑक्सीजन की -2 होती है, इंटू 4 करोगे क्योंकि 4 ऑक्सीजन है। ऑक्सीडेशन स्टेट का सम जो है वो क्या होता है, वो एक कंपाउंड के लिए 0 होगा। तो एक्स ये -7 इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू +7 बचेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंगनीज जो है वो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद जो है वो हम निकालेंगे किसकी, CrO2Cl2, ये हमारा क्रोमिल क्लोराइड कहता है, ठीक है, क्रोमिल क्लोराइड कहलाता है। तो यहाँ पे हमें क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, तो क्रोमियम की आप एक्स मानोगे, ऑक्सीजन की -2 इंटू 2 करोगे, क्लोरीन -1 इंटू 2 करोगे। ऑक्सीडेशन स्टेट का सम जो है, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट का सम जो है वो क्या होगा, 0 होगा, अच्छी बात है भाई। तो एक्स कितना हो जाएगा, ये -4 और ये -2, तो -6 इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू +6। तो यहाँ पे क्रोमियम जो है वो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, बहुत अच्छी बात है भाई। इसके बाद हम ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो डिटरमाइन करना चाहेंगे किसकी, ये BaH2PO2 होल 2, ठीक है, ये हमारा बेरियम हाइपोफॉस्फाइड कहलाता है। यहाँ पे हमें बेरियम की ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं डिटरमाइन करनी, तो फिर किसकी डिटरमाइन करनी है यार, इसको तेरेज करना पड़ेगा। यहाँ पे हमें फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट डिटरमाइन करनी है, करते हैं भाई। तो देखो जरा ये 2 लगा है ना, तो इससे घबराना नहीं है, आप क्या करो, ये बेरियम है, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये H4 हो जाएगा, ये P2 हो जाएगा और ये O4 कर दो, ठीक है। इस 2 का मल्टीप्लाई हमने सब जगह कर दिया। अब फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, तो फॉस्फोरस की एक्स मानोगे, 2 फॉस्फोरस 2 से मल्टीप्लाई करो, हाइड्रोजन की +1 होती इंटू 4 करोगे, बेरियम +2 में होता है, ऑक्सीजन -2 इंटू 4 करोगे। ऑक्सीडेशन स्टेट का सम जो है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट का सम कर दो भाई, तो ये सम कर दिया मैंने, ठीक है, ये सम कर दिया, ठीक है, और ये सम कर दिया, कितना होता है वो 0 होगा, अच्छी बात है भाई। तो 2x, देखो यहाँ पे ये कितना होगा, +6 होगा, ये कितना होगा, ये कितना होगा, -8 होगा, तो उधर जाएगा, तो ये +2 बचेगा, ठीक है, ये +6 और ये -8, तो -2 बचेगा, उस तरफ जाएगा तो +2 हो जाएगा, ठीक है। तो x इक्वल टू +2/2, तो ये +1 बचेगा। तो यहाँ फॉस्फोरस जो है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, अच्छी बात है, ठीक है। इसके बाद हम ऑक्सीडेशन स्टेट डिटरमाइन करेंगे, ये हमारे पास फिर से आयन है FeCN होल 6, और ये है हमारे पास -4 में, और यहाँ पे हमें ऑक्सीडेशन स्टेट डिटरमाइन करनी है आयरन की, तो आयरन की आप एक्स लोगे, CN की -1 होती है इंटू 6 करोगे, ठीक है। और ऑक्सीडेशन स्टेट का सम जो है वो चार्ज के इक्वल होता है, चार्ज -4 है, तो x -6 इक्वल टू -4, तो x इक्वल टू -4 +6, तो x इक्वल टू ये +2 आएगा, ठीक है। तो आयरन यहाँ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। फिर इसके बाद हम देखेंगे एक और आयन, ये है हमारा CuNH3 होल 4, ठीक है, और ये +2 में है। ऑक्सीडेशन स्टेट डिटरमाइन करनी है हमको किसकी, कॉपर की, तो कॉपर का एक्स मानोगे, अमोनिया जो है पूरा एक कंपाउंड है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी, ठीक है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स आयन है तो ये लिगेंड कहलाएगा, तो लिगेंड अमोनिया जो है वो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। 4 से मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि 4 अमोनिया है। ऑक्सीडेशन स्टेट का सम जो है वो चार्ज के इक्वल होगा, चार्ज +2 है, तो एक्स इक्वल टू +2 ही आएगा। तो यहाँ कॉपर जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया। इसके बाद हम H2SO5, ठीक है, तो यहाँ पे हम सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो डिटरमाइन करेंगे। तो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट एक्स ले लो, हाइड्रोजन +1 इंटू 2 करोगे, ऑक्सीजन -2 इंटू 5 करोगे, सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 0 होगा। तो एक्स इक्वल टू ये -10 और ये +2, तो एक्स इक्वल टू जो है वो +8 हो जाएगा, ठीक है ना।
तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो पॉसिबल नहीं है सल्फर की। क्यों? क्योंकि सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16, तो अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन देखें तो ये होता है 2, 8 एंड 6, ठीक है। तो सल्फर जो है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या तो दो इलेक्ट्रॉन कहीं से ले ले, ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन कहीं से ले ले, मतलब दो इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब कर ले तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट, ठीक है। या फिर क्या करे, 6 इलेक्ट्रॉन को जो है वो रिलीज कर दे, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज कर दे, तो फिर उसका कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 हो जाएगा, ठीक है। सल्फर जो है वो 2, 8 कॉन्फ़िगरेशन में जाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, जब दो इलेक्ट्रॉन लेगा तो -2 हो जाएगी, ठीक है। तो अगर उसने दो इलेक्ट्रॉन ले लिए तो -2, अगर 6 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिए तो +6। तो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 से +6 के बीच कुछ भी हो सकती है, मतलब कि ये हो सकती है हमारी -1, 0, +1, +2, +3, +4, +5 और +6। तो इतनी ऑक्सीडेशन स्टेट के बीच में सल्फर कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, लेकिन यहाँ पे तो 8 बता रहा है। इसका मतलब ये है कि सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट हम यहाँ पे ऐसे नहीं निकालेंगे, फिर इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो स्ट्रक्चर जो है वो हम बनाएंगे। तो देखो जरा सल्फर, ठीक है, यहाँ पे हमें कितना 5 ऑक्सीजन जोड़ना है और 2 हाइड्रोजन है, तो H2SO5, ठीक है। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन तो ऑक्सीजन से कनेक्ट होंगे, तो भैया ये OH और ये OH आप ऐसे जोड़ लो। अब यहाँ पे ये डबल बॉन्ड बनाएगा सल्फर, तो ये डबल बॉन्ड बना लिया। तो अभी तो 4 ही ऑक्सीजन जुड़े हैं, 5वां ऑक्सीजन नहीं जुड़ा, इसका मतलब है यहाँ पे परॉक्सी बॉन्ड होगा। तो आप क्या करो, इस OH को साफ करो, ठीक है। यहाँ पे जो है वो एक ऑक्सीजन जो है वो आप लगाओगे और फिर यहाँ पे आपको OH लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब देखो ज़रा हम बात करते हैं इन दो बॉन्ड के कारण, ऑक्सीजन -2 है, सल्फर +2 है। इस एक बॉन्ड के कारण ऑक्सीजन -1 और ये सल्फर +1, इस एक बॉन्ड के कारण ऑक्सीजन -1 और सल्फर +1, इस दो बॉन्ड के कारण ऑक्सीजन -2 सल्फर +2। तो ये टोटल काउंट करोगे तो सल्फर जो है वो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाएगा। तो ऐसे किसी कंपाउंड में हम एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट को डिटरमाइन कर लेते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।